बघेल ने भी अब पलटवार किया है, तो उसके बाद जो राजनीति हुई है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त केदार गुप्ता बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, साथ ही धनंजय सिंह ठाकुर है कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी जुड़ गए हैं। दोनों का ही स्वागत करते हैं। और चूंकि भूपेश बघेल ने यह पलटवार किया है, सीधे सीधे बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया है, केदार गुप्ता सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे। केदार जी, ये जानना चाहेंगे कि वो कह रहे हैं कि डिस्टिलरों पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, चूंकि आपके समय एक शराब की पॉलिसी बनाई गई, उस पॉलिसी को लेकर वो एक सवाल उठा रहे हैं, इसका जवाब आपके पास क्या है? क्या कोई संबंध था रमन सिंह के साथ, ये भी कह रहे हैं वो? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल जी की आंख 2018 में जब बैठे मुख्यमंत्री की कुर्सी में, जब आराम से वो सो गए, तो आज खुली है। कहां 2017 और कहां 2023? ये 4.5 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं और उनको 23 पे आज तक दिखा नहीं कि किस पे कार्रवाई होना चाहिए। इनकी सरकार आई और घोटाले इनकी सरकार में शुरू हुए और उसके बाद ईडी आई, ईडी पे कार्रवाई हुई और आज तक अधिकारी, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर जेल में हैं और लगातार जमानत की अर्जी लगा रहे हैं और उनकी जमानत निरस्त हो रही है, मतलब घोटाला हुआ है। मैं माननीय भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूँ, 2018 के बाद 2023 में आपको आज याद आ रही है, तो 5, 4.5 साल। अब मैं नहीं कहूंगा को सप्लायर चाचा है कि पिताजी है कि कौन है, किसके हैं, काहे के लिए हैं, ये ऐसे बयान भाजपा नहीं देती। मैं सीधा ये पूछूंगा कि क्या आबकारी मंत्री को आपका संरक्षण है जो आप उसे अभी तक के हटाए नहीं, या आबकारी मंत्री आपके संरक्षण में ये घोटाले करवा रहे हैं? आपने आबकारी मंत्री को आज तक इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? बिल्कुल धनंजय जी, ये सवाल है उनका, केदार जी का, आबकारी मंत्री से आपका क्या संबंध है, किसी तरह का इस्तीफा आपने क्यों नहीं मांगा और इतने साल आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, सबसे पहली बात तो बता देना चाहता हूँ, ईडी, सीबीआई या आईटी, ये जो केंद्रीय एजेंसियां ही है, भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक संगठन की तरह काम कर रहे हैं। अभी अगर ईडी आरोप लगाती है तो सबसे पहले अगर ईडी ये कहती है कि अवैध रूप से शराब आए हैं डिस्टिलरों के पास से, तो ईडी को तो सबसे पहले उन डिस्टिलरों को पकड़ना चाहिए। क्यों नरेंद्र मोदी जी ने डिस्टिलरों को पकड़ने से पेन लगाने का काम किया ईडी के पाप में? क्या संबंध है भारतीय जनता पार्टी का? अगर कहीं अनियमितता की बात ईडी कर रही है या कहीं पे गड़बड़ की बात कर रही है, अवैध सप्लाई की बात कर रही है, तो क्यों नरेंद्र मोदी जी ने उन डिस्टिलरों को बचाने का काम किया है? क्या संबंध है नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी का उस डिस्टिलरों के साथ में? पहली बात। दूसरी बात, पूरे देश में देख लीजिए, ईडी, सीबीआई और आईटी जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आज महाराष्ट्र में क्या हुआ है, ईडी कार्रवाई करती है और नरेंद्र मोदी जी जिन पे घोटाले का आरोप लगाते हैं उनको गले लगाते हैं, फूल माला पहनाते हैं और सरकार बना लेते हैं। दिख रहा है ना किस प्रकार से भूपेश बघेल जी की सरकार को बदनाम करने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया गया, पहली बात। दूसरी बात, पॉलिसी रमन सिंह की सरकार में बना, 4400 करोड़ का शराब घोटाला रमन सरकार के दौरान हुआ, वो 3 डिस्टिलर को रमन सिंह के क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, आपका आरोप सही है धनंजय जी, लेकिन सवाल ये उठता है, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने 4 साल कार्यवाही क्यों नहीं की, आप उसके बाद ये बड़ा एक्शन लेते हैं तो ये एक्शन भी सवालों के घेरे में खड़ा हो जाता है, लेकिन आपका एक्शन भी सही है क्योंकि पीएम साहब बोल के गए और उसके बाद फिर जो है शराब नीतियों पर बात होने लग गई, शराब पॉलिसीज पर बात होने लग गई। बहरहाल, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे ये एक सवालों के घेरे में आता जाएगा, शराब नीति और शराब के ऊपर लगातार सियासत गर्म होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे केदार जी आपका भी, और धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों बढ़ेंगे आगे। इधर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा